मंत्र बल नहीं होता। आज भी ये दो चिकित्सा होती है, एक औषधि चिकित्सा, एक होती मंत्र चिकित्सा। इसे क्या कहते हैं? ये भी एक चिकित्सा है, लेकिन ये है मंत्र चिकित्सा। आज भी पुरानी पद्धतियों में बहुत ताकत है, बस उसको न जानने वाला मिलता है और ना कोई आजकल तप और उसको संभालने वाला मिलता है। दोनों मिल जाए तो आज भी आदिकाल के भांति, और जो बागेश्वर बालाजी के दरबार में आज चमत्कार हो रहे हैं, वो हर वैद्य कर सकता है। तप कर ले, मंत्र की शक्ति की सामर्थ्यता सीख ले, भगवत कृपा से उसे पाले बालाजी की दया से, तो आज भी वो मंत्र के आधार पर बिना औषधि के लाभ दिला सकता। दोनों हाथ मल लें बहन, सिर में लगाएं, अब पेट में लगाएं, अब स्थान छोड़ें, खुद से खड़ी हों, स्थान छोड़ें, खुद से खड़ा होना है आप। ये पर्चा लीजिए, ये भभूति लीजिए, दवाई धाम पर मिलनी है, थोड़ी सी भभूति लगाओ और अभी खबाओ। बस थोड़ी सी और खबा दो, धाम पर नहीं पहुंचे अभी, धाम पर मंगलवार को पहुंचना है, कैंसर की दवाई वहीं पर मिलेगी, और आपको शीशम के पत्तों का काढ़ा पिलाना है 20 दिन तक, तब दवा असर करेगी। काय का? शीशम के पत्तों का, शीशम के पत्तों का काढ़ा बना करके बच्ची को पिलाइए। अब इसके बाद स्थान छोड़ो बहन, फिर से स्थान छोड़ो, खड़े हो, ओ थोड़ा सा सहारा दो दादा, थोड़ा सा दे, तत्क्षण इनके पैरों की ताकत और लीवर की दिक्कत, तत्क्षण चलो बहन, छोड़ो दादा, तुम छोड़ो, तत्क्षण बोलिए सच्चे दरबार की, उस तरफ जाओ, तत्क्षण आदेश बोलिए बालाजी सरकार की, सतगुरु सन्यासी बाबा को जय, भगवान की जय, जय श्री राम। कैसा लग रहा? ताकत है, अच्छा लग रहा, जाओ लेवा जाओ दादा, आज ही से बब्बा जी लाज रखे हैं, जाओ आशीर्वाद। कम सहारा देना है काहे को, उसे उसे अपने बल पर चलने का करो, वैसाखी जितना बनाओगे उतना मनोबल।